हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन। टुडे वी विल रीड अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज क्या होता है? आपने समोसे का शेप तो देखा ही होगा। कैसा शेप होता है? उसके तीन कोने होते हैं। तो ऐसा ही कोई फिगर जिसके तीन कोने होते हों, थ्री वर्टिसेस हों, थ्री साइड्स हों एंड थ्री एंगल्स हों, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। अब देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल। अ फिगर मतलब एक आकृति, एक पिक्चर, एक आकार विच इज़ फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बना होता है, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। इट हैज़ थ्री साइड्स, इसकी थ्री साइड्स होती हैं। आपको पता है कि जैसे कि किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस शीर्ष ए बी सी हों तो उसकी थ्री साइड्स कौन कौन सी होती हैं? ए बी, बी सी एंड सी ए। थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड थ्री वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? उसके कोने, मतलब ए बी सी। तो कोई भी आकृति जो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलकर बनी होती है त्रिभुज कहलाती है। उसकी तीन भुजाएँ, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। हाँ, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल, इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तीन वर्टिसेस मतलब तीन शीर्ष दिए हुए हैं, ए बी सी, और इसकी तीन साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड सी ए। और एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? आपका हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो टाइप्स होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। कुछ जो टाइप्स होते हैं वह साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं, इस तरीके से इसके कई टाइप्स होते हैं। तो ए है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स, मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग इसके कितने टाइप्स होते हैं? साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं उसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज नोन एज स्केलेन ट्राइंगल। ए बी इज इक्वल नॉट बी सी इज इक्वल नॉट सी ए। मतलब ये है कि इसकी तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, उसको हम कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल या विषमबाहु त्रिभुज। अब दूसरा आप देख लीजिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल को हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, आप देख सकते हैं हिंदी में ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो और बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हों उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं उन्हें हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। इन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। इन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी भी ट्राइंगल की जब टू साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि ए बी के इक्वल ए सी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी के इक्वल बी सी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी के इक्वल सी ए हो। तो जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, जिस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। थर्ड है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए हिंदी के जो नाम हैं
उनकी डेफिनेशन हमें नाम से ही समझ में आ जाती है, जैसे कि सम बाहु त्रिभुज, सम यानी कि समान और बाहु मतलब भुजाएं, समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, सम बाहु त्रिभुज। अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज नॉन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। एक कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी। समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसमें ए बी बी सी के बराबर हो, बी सी सी ए के बराबर हो। अब देखिए कह सकते हैं कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो उसे हम स्केलन ट्राइंगल या विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं या आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी हमने क्या देखा, साइड्स को देखा कि जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एंगल्स के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल्स होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम नाम से ही समझ सकते हैं। एक्यूट एंगल मतलब होता है जो 90 डिग्री से लेस देन हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जिस ट्राइंगल के सभी जो एंगल हैं अगर वह 90 डिग्री से लेस देन है तो वह होगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब कि जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हों उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल आपको पता है कि जिसकी मेज़र होती है 90 डिग्री उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो सेम समकोण त्रिभुज जिसकी माप 90 डिग्री होती है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिस भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम, जिस भी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल दैट मीन्स समकोण त्रिभुज कहते हैं। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री इज नॉन एज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सिर्फ एक ही एंगल जो हमारा होता है वह राइट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल में क्या होता है, सभी एक्यूट होते हैं, है ना। और राइट एंगल में ये कंपलसरी नहीं कि सभी 90 डिग्री, और यह हो भी नहीं सकता है। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड मतलब अधिक कोण। अधिक कोण की डेफिनेशन क्या है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से और अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण कहते हैं। जिसकी माप 90 डिग्री से ग्रेटर देन और 180 से लेस देन हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मतलब कि जिस ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है और 180 से लेस देन होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, हाँ अभी तो हमने देखा कि एंगल और साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स देखिए, पहला है हमारा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं शीर्ष लंब। मतलब कि यदि हम कोई ट्राइंगल ABC ड्रॉ करें और किसी भी वर्टिसेस से मतलब A से या B से या C से एक सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ अ करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड इन फिगर। ADBE and CF आर अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन साइड्स BC and AC and AB respectively from opposite vertex। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि एक अल्टीट्यूड एक शीर्ष लंब होता है जो एक पर्टिकुलर साइड से मतलब किसी भी एक निश्चित भुजा से एक परपेंडिकुलर लेंथ मतलब कि एक लंब की लंबाई लंब खींचा जाए उसके अपोजिट वर्टेक्स मतलब उसके सामने वाले शीर्ष से।
एक शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर यदि कोई लंब या यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। इन फिगर ए डी बी ई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन साइड बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। जो हमें आगे डायग्राम दिया जाएगा उसमें ए डी बी ई और सी एफ उसके सामने वाली साइड से खींचे गए ड्रॉ किए गए क्या हैं अल्टीट्यूड्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ए डी तो नहीं है बट आप बी ई देख सकते हैं। बी ई ए सी पर परपेंडिकुलर है और बी से ड्रॉ किया गया है, मतलब कि ए सी पर अल्टीट्यूड क्या होगा बी ई, और हम देख सकते हैं ए बी पर अल्टीट्यूड क्या होगा सी एफ। अगर हम बी सी से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते बी सी पर तो यहाँ पर कोई डी पॉइंट आता जो जो कि मिलता कहाँ पर ए पर, तो जो ए डी होता हमारा वह भी होता बी सी पर अल्टीट्यूड। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स समरूप त्रिभुज। अब समरूप के डेफिनेशन हम नाम से ही कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एक जैसे हों उन्हें हम समरूप कहते हैं, है ना, जिनके सभी पार्ट्स सभी पार्ट्स एक जैसे हों उन्हें हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो आप कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में क्या कहेंगे, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी सभी साइड्स सभी एंगल्स इक्वल हों उन्हें हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहेंगे। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब कि ऐसे कोई ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं यदि उनकी सभी साइड और उसके सभी एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के इक्वल हों तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहेंगे। जैसे कि ए बी सी और डी ई एफ दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, तो जो ए होगा जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी होगा एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी होगा एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी जो होगी हमारी डी यू ई के इक्वल होगी, बी सी जो होगी वह ई एफ के इक्वल होगी, और जो हमारी ए सी होगी वह डी एफ के इक्वल होगी। फिगर शोज टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कैप्ट ओवर ट्राइंगल डी ई एफ इन सच अ वे दैट ए बी कवर्स डी ई बी सी कवर्स ई एफ एंड सी ए कवर्स एफ डी देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का साइन सही नहीं बना हुआ है, ऊपर एक और लाइन आएगी जिगजैग टाइप की, है ना। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ए बी सी और डी ई एफ दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं और ए बी सी को हम डी ई एफ पर इस तरीके से रखें कि ए बी कवर करे डी ई को, बी सी कवर करे ई एफ को एंड सी ए कवर करे एफ डी को, तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहेंगे। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के लिए कुछ थ्योरम्स हैं। पहला है हमारा साइड एंगल साइड। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस। मतलब साइड एंगल साइड का मतलब है कि टू साइड्स और उनके बीच वाला एंगल किसी अदर ट्राइंगल की टू साइड्स और उनके बीच वाले एंगल के इक्वल हो तो वह दोनों जो ट्राइंगल्स होते हैं वह कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, अगर हमें ये बताया जाए कि ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और ए बी और बी सी के इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा बी होगा, तो बी जो है डी ई और ई एफ के बीच कौन सा एंगल होगा ई होगा, बी जो है वह ई के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा वह दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एंगल साइड एंगल। जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो और जो दो एंगल्स हैं उनके बीच की जो साइड वह इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं
उसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। देखिए लिखा हुआ है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। जो मैंने आपको बताया कि दो एंगल्स इक्वल हैं और जो दोनों एंगल्स में जो इंक्लूड है वह साइड इक्वल हो, तो ए ऐसे मतलब एंगल साइड एंगल थ्योरम से दोनों जो ट्राइंगल होते हैं वह कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सेफ, स्टे होम एंड बाय। थैंक यू।